Non, dicevo, chi sarà quella voce? Abbiamo quelli che soffrono sulle non dicevo. Hai un casino, ho che sono vivono a te, ma adesso che mi vedi che soffrai, ma se utrai, ma adesso che fai di chi va a me? Cucci su dai sette che già, le raiti, guarda che raiti c'è, uomini che. और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हम नहीं होते ऐसे कि टाइम्स हो जाए एक वर्षा फर्स हो जाए ये बात नहीं ऐसी किसी बात नहीं ऐसी जनरल नहीं केंद्र सरकार क्या खाता सचिवाली असं स्टेटमेंट केलं की देशामध्ये दुग्धजन्य पदार्थांची कमतरता होण्याची शक्यता आहे आणि तशी वेळ आली तर आम्ही आयात करायचा विचार करू माझं त्याच्यात एकच म्हणणं आहे की आयात करण्याची आवश्यकता नाही उत्पादक शेतकऱ्याला चांगली किंमत तुम्ही द्या या गोष्टीची पूर्तता या देशातला शेतकरी करेल आणि तसं धोरण सरकारने स्वीकारावं सर कालपासून सर सोशल मीडियामध्ये पार्टी के कुछ नेता नॉट रीचेबल हो गए हैं तो क्या वो आपके इस बात से वाकिफ नहीं हो रहे थे इसलिए वो नॉट रीचेबल हो गए नॉट रीचेबल यानी कभी मैं यहाँ से फालगढ़ जा रहा हूँ तो यहाँ लोग कहेंगे कि नॉट रीचेबल सर काल श्याम सिंह अजित दादा म्हणत होते कालपासून माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर कुठतरी अजित दादा नॉट रिचेबल आहेत काही आमदार नॉट रिचेबल आहेत अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे मला तर माहिती आहे तुम्ही ही कशाचे आधार घेतात आपके साथ संबंध में है दादा हां सर यामध्ये एक चर्चा अशी की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यातलं राजकीय समीकरण अस्थिर होण्याची शक्यता आहे होऊन जाईल आम्ही वाद बघतो त्या निर्णय तो निर्णय काही काही वेगळा आला तर चांगली गोष्ट सर हिंदी में जानना चाहेंगे लोग ये समीकरण बना रहे हैं कि अजीत पवार नॉट रिचेबल हैं और इस वजह से ये महाराष्ट्र में समीकरण दोबारा से बदल देंगे सिंपल ये बात है नॉन रिचेबल किस आधार पर आप बोलते हैं आप कहेंगे कि सूफिया सूफे नॉन रिचेबल है वो घर में है आपके सामने नहीं तैयार नहीं है सर आपकी जो भूमिका है सावरकर को लेकर अदानी को लेकर क्या उससे महाविकास आघाड़ी की एकता पर फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ तक सावरकर की बात है अपोजिशन की जो तोते बैठक दिल्ली में हुई खड़गे साहब के घर में वहाँ श्रीमती सोनिया जी थी वहाँ इस बारे में जिन्होंने कुछ अपनी राय रखी थी राहुल गांधी जी थे और सबके सामने मेरा जो कुछ कहना मैंने बताया और वो इशू आ खत्म सर हिंडनबर्ग के बारे में जो बात कही जा रही कि भारत से बाहर की एक कंपनी है जो कि शॉर्ट सेलिंग के लिए जानी जाती है तो जानबूझ के भारत के मार्केट को अस्थिर करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था तो हिंडनबर्ग को लेकर आपकी राय क्या है हमें ये मालूम नहीं है हिंडनबर्ग क्या है और जब तक कोई एक मेजर स्टेटमेंट करता है देश के बारे में तो करने वाला इसकी करीब मिली थी इसकी बैकग्राउंड ये जान कर मेरे जैसे आदमी ने रिएक्ट होना चाहिए इसलिए मैं इससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा सर कल आपने काफ़ी डिटेल में अपोजिशन यूनिटी पर चर्चा की लेकिन जब आपका ये एक अलग मत सामने आता हो जब आप अडानी की इतनी तारीफ करते नजर आते तो क्या अपोजिशन यूनिटी तारीफ की बात हुई क्या सर आपने कहा कि ये अगर बिजली बनाते हैं तो इनकी ज़रूरत है अगर ये अच्छा काम करते हैं बिजली बनाते हैं महाराष्ट्र का मेजर बिजली का सफर है वहाँ से होता है ये महाराष्ट्र की फायदे की बात नहीं जो है वो है अपोजिशन यूनिटी का सवाल क्या इस पर खड़ा नहीं होगा कैसे बिजली बनती है इससे अपोजिशन यूनिटी खड़ा हो जाएगी सवाल ऐसा है कि जैसे सावरकर पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका अलग दी थी बाद में अडानी पर राहुल गांधी ने अलग बयान दिया था बाद में आपका जो बयान आता है दोनों के अपोजिट एक बयान आता है तो इसको लेकर बातचीत चल रही है बात मेरा बयान क्या है मैंने आपके सामने रखा और एक बार रखने के बाद बार बार वही सवाल था कि सर 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता पे इससे फर्क पड़ेगा इस बात की भी चर्चा आप शुरू हो गई कि आपने जो कहा बाकी पार्टियों से सहमत नहीं थी हमने देखा पार्लियामेंट भी 15 दिन तक चल नहीं पाया तो आपका जो विषय है बाकी लोगों से अलग जा रहा है तो विपक्षी एकता पे बड़ा आघात है ऐसा माना जा रहा है कौन कहता है मुझे मालूम नहीं मगर जो मैं बोलता हूँ इनमें से कुछ इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग में मैंने मेरी राय रखी थी साहेब राज्यामध्ये अनेक प्रश्न आहे शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे असं असताना मुख्यमंत्री राज्याचे आणि अनेक मंत्री अयोध्या दौऱ्यावर चाललेले आहेत शक्ती प्रदर्शन एक प्रकारचे आहे
अलग अलग तरह फार महत्व देती। सर आपने एक और बड़ी बात कही थी कि 2024 में अगर मोदी या बीजेपी को हराना है तो ऑपोजिशन यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत छाप जा सकती है, इस पर आपका अभी? हमने कहा ना कि 10 दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई, इस इशू पर हम लोगों ने बातें की, इस लाइन पर आगे जाने के लिए हमने डिस्कशन किया। कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जहाँ अलग अलग राय थी, वह अलग अलग राय क्या है वो भी रखी, और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हमने रखे। सही है, नासिक जाना खाली खाली खाली।